नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है अभिनंदन है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी सीयूटी यूजी 2024 की। जो मेन कैंपस के बच्चे हैं, जो कॉलेज के बच्चे हैं और किसी भी कोर्स के बच्चे हैं, उनके लिए सूचना है, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए वीडियो है कि इनरोलमेंट का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया है। आपको ये पता होना चाहिए। लेकिन मैंने, जो बच्चे बहुत दूर से हैं, बार बार उनको आने जाने में दिक्कत होगी, इस वजह से मैंने कहा कि आप अपना इनरोलमेंट दशहरे की छुट्टी के बाद करवाइएगा। इनरोलमेंट होना स्टार्ट हो गया है, पूरे अक्टूबर भर आपका इनरोलमेंट चलेगा, तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। लेकिन ये वीडियो इस वजह से है कि आपका इनरोलमेंट होना स्टार्ट हो गया है, ये सूचना आपको देनी है। जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बीए कोर्स के बच्चे हैं मेन कैंपस में, उनका इनरोलमेंट उनकी फैकल्टी, आर्ट्स फैकल्टी में हो रहा है। कॉलेज की भी बात हम करेंगे इसी वीडियो में। बीएससी के बच्चों का साइंस फैकल्टी में हो रहा है और बीकॉम के बच्चों का कॉमर्स फैकल्टी में हो रहा है, तो इस वजह से आपको परेशान नहीं होना है। ये अलग अलग फैकल्टी में हो रहा है। बाकी प्रोफेशनल कोर्स के बच्चों का इनरोलमेंट, उनके क्लास के बारे में सूचना उनके प्रोफेशनल कोर्स के उसमें हो रहा है। बीएफए के बच्चों का डिपार्टमेंट फाइन आर्ट्स का है, बीपीए वालों का परफॉर्मिंग आर्ट का है, इसके बाद फिर प्रोफेसर बीएलएलबी का लॉ डिपार्टमेंट में है, तो ये सारी चीज़ें हैं। आपका इनरोलमेंट होना स्टार्ट हो गया है, इनरोलमेंट होना आपका स्टार्ट हो गया है, ये आपको बताना था। अभी 2 अक्टूबर को छुट्टी है, 3 को यूनिवर्सिटी खुलेगी, 4 को यूनिवर्सिटी खुली रहेगी, उसके बाद यूनिवर्सिटी दशहरे ब्रेक के लिए बंद हो जाएगी, यानी कि 5 से लेकर के 13 तक। उसके बाद जब आप 14 को आएंगे, 14 से आप फिर से इनरोलमेंट अपना करवा सकते हैं। और इनरोलमेंट बहुत पैनिक नहीं होना है। इनरोलमेंट में आपको सेक्शन अलॉट किया जाएगा कि आपको कौन सा सेक्शन अलॉट किया जा रहा है, आपकी टाइमिंग क्या है, आपकी क्लासेस की टाइमिंग क्या है। तो प्रोसेस कुछ नहीं, आप अपने फी रिसिप्ट और जो भी आप अपना लेकर आइए, अपने डिपार्टमेंट जाके आप अपना इनरोलमेंट करवाइए संबंधित विभाग से, आपका इनरोलमेंट हो जाएगा। फिर आपको जो टाइमिंग दी रहेगी कि आपको 9 बजे से लेकर 10 बजे तक, 10 से 11, 11 से 12 इसकी हिस्ट्री क्लास यहाँ, फिलोसफी क्लास वहाँ, ये सारी चीज़ें आप करेंगे, क्लासेज अपनी अटेंड करेंगे और आप प्रॉपर तरीके से अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इनरोलमेंट का प्रोसेस स्टार्ट हो गया, परेशान नहीं होना है। जो बच्चे अभी घर हैं वो घर ही रहें, पहले हॉस्टल की कट ऑफ आ जाए, हॉस्टल में आप शिफ्ट हो जाएं, फिर आप अपना आराम से आके कमरा वमरा देख लीजिए, क्योंकि हॉस्टल की लिस्ट आने के बाद तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, किन बच्चों को हॉस्टल मिल रहा है, किसको नहीं मिला है, फिर उसके बाद उन बच्चों को फिर कमरा ढूंढना होगा। तो इस वजह से आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, आपका इनरोलमेंट प्रोसेस लगातार चलता रहेगा, इनरोलमेंट के लिए आपको चिंता नहीं करनी है, समझ रहे ना, मैं पहले से बोल दिया हूँ। 14 से प्रॉपर क्लास चलेगी। कॉलेज की बात करते हैं तो कॉलेज में भी तमाम अलग अलग सेक्शन है, सीएमपी डिग्री कॉलेज में भी 4-5 सेक्शन है, तो जो सीएमपी में जिन बच्चों का फिजिकल वेरिफिकेशन हो जाएगा वो भी रनिंग डे पे जाके अपना इनरोलमेंट अपने कॉलेज में करवा सकते हैं। ईश्वरचरण डिग्री कॉलेज में भी जो बच्चे अपना इनरोलमेंट करवाना चाहते हैं वो अपने सेक्शन के हिसाब से अलॉट करवा लेंगे, अपना इनरोलमेंट करवा लेंगे। बाकी और सारी कॉलेज है जहाँ पे एक ही विषय की सिर्फ एक ही क्लास चलती है, जैसे जगत तारण डिग्री कॉलेज हुआ, आर्य कन्या डिग्री कॉलेज हुआ, एसएस खन्ना हुआ, तो वहाँ पे 1-2 सेक्शन रहते हैं, तो वहाँ पे इनरोलमेंट की बहुत दिक्कत नहीं रहती है। तो ये चीज़ें आपको बहुत ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ सेक्शन का अलॉटमेंट ईसीसी के बच्चों का हुआ, उनको सेक्शन अलॉट होगा, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको सूचना पूरी तरीके से इसमें बता दी है। तो बिल्कुल भी आपको परेशान इनरोलमेंट के लिए नहीं होना है, आपका नया सेशन अब चल चुका है, क्लासेज भी अभी चल रही है, तो उसके लिए बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेनी है। और कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो ज़रूर आप मैसेज करिए, कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए।